मैं डॉक्टर कमर अब्बास जैदी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपटीशन में किस प्रकार सफलता प्राप्त की जा सकती है। कंपटीशन के लिए किस प्रकार स्टडी करनी चाहिए, वो कौन लोग हैं जो कंपटीशन पास कर लेते हैं, उनमें ऐसा क्या है कि उन्होंने कंपटीशन पास किया और दूसरे बच्चे कंपटीशन में फेल हो गए, ये डिफरेंस क्यों आता है, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। डियर स्कॉलर्स, कंपटीशन की बात आती है तो चाहे वो मेडिकल का कंपटीशन हो या इंजीनियरिंग का कंपटीशन हो या फिर किसी सिविल सर्विसेज का कंपटीशन हो, स्टडी का बेस तो एक ही जैसा है सबका। वो कौन से स्टूडेंट्स हैं, वो कौन से स्कॉलर्स हैं जो कंपटीशन को बीट कर देते हैं और पास हो जाते हैं और उनके ही फ्रेंड रह जाते हैं पीछे। देखिए, स्टडी को अगर हम स्पून फीडिंग कर रहे हैं ना तो कभी कामयाब नहीं होंगे। स्कॉलर स्पून फीडर कामयाब नहीं होते हैं। हाँ, जो स्पून फीडिंग, वो स्टूडेंट जो स्पून फीडिंग करते हैं ना, वो क्लास में तो पास हो सकते हैं, 9th 10th 11th 12th टॉप कर जाएंगे, है ना, लेकिन कंपटीशन वो पास नहीं कर पाए थे। स्पून फीडिंग बंद कीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कंपटीशन निकालना है तो स्पून फीडिंग को बंद कर दें, क्योंकि स्पून फीडिंग से आप क्लास 12th को अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं, है ना, लेकिन कंपटीशन को पास नहीं कर पाएंगे। स्पून फीडर, है ना, नेवर कम्पीट द कंपटीशन। स्पून फीडर कभी भी कंपटीशन में सक्सेस नहीं होते। देखिए, स्पून फीडर होते कौन हैं? स्पून फीडर वो होते हैं जो बने बनाए नोट्स को लेकर रट लेते हैं, जो बने बनाए नोट्स को लेकर रटते हैं, ठीक है, अपने पास से कोई भी दिमाग नहीं लगाते, उसे कहते हैं स्पून फीडर। न्यूमेरिकल देख के लगा लिए, टीचर ने बता दिए और वही सॉल्व कर लिए, वो कहलाता है स्पून फीडर। जो बच्चे स्पून फीडर नहीं हैं, अपनी मेहनत करते हैं, वो सक्सेस होते हैं। न्यूमेरिकल्स का बेस या टेक्निक उन्होंने टीचर से पूछी और अपने आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स सक्सेस हो जाते हैं। जो बच्चे स्पून फीडर नहीं हैं, उनका मेंटल लेवल हाई होता है और उनका मेंटल लेवल बढ़ता रहता है पर डे, क्योंकि वो अपने दिमाग लगाकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और एक टाइम ऐसा जाता है कि वो अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस से, प्रीवियस नॉलेज के बेस पर नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। स्पून फीडर कभी नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो बच्चे अपनी मेहनत से, है ना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके स्टडी करते हैं, वो नई प्रॉब्लम को प्रीवियस प्रॉब्लम या प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर सॉल्व कर लेते हैं। ब्रेन में जो बच्चे स्पून फीडर होते हैं, उनके ब्रेन कम डेवलप होते हैं, और जो बच्चे मेहनत करते हैं, है ना, और न्यूमेरिकल को अपने आप सॉल्व करते हैं ना, उनके ब्रेन डेवलप होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, है ना। देखिए, जैसे मान लो ये टारगेट है, इस टारगेट पे पहुँचना है और ये एक रोड है, ये जा रही है यहाँ पे, है। तो जो स्पून फीडर है, हमने उसको बताया कि इस रास्ते से जाएंगे आप यहाँ टारगेट पहुंच जाएंगे, तो बस वो यही रास्ता जानता है। लेकिन जो बच्चे खुद मेहनत करते हैं, उनके लिए देखिए ये रोड है, वो इसी रास्ते को फॉलो नहीं करते, वो यहाँ से चले, है ना, शॉर्टकट है, यहाँ से भी आ सकता है, उसने यहाँ से भी जंप मार ली, ठीक।
देखिए वो कई रास्ते ढूंढता अपने टारगेट पर पहुंचने के, वो बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता, वो अपने आप भी रास्ते को खोजता है, वो यहाँ से भी जंप कर सकता है, ठीक है, वो शॉर्टकट भी ढूंढता है। हमारे यहाँ ब्रेन नर्व सेल्स का बना है। नर्व सेल्स देखिए इस तरह से होती हैं, ये नर्व सेल्स हैं, ये नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स में कभी डिवीजन नहीं होता। तो जो स्पून फीडर हैं उनके नर्व सेल्स ऐसी है। दूसरी नर्व सेल्स मान लीजिए ये आ गई, नर्व सेल जितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना ब्रेन उतने डेवलप होता है। अब जो स्पून फीडर है उसकी नर्व सेल ऐसी ही रहेगी क्योंकि वो ब्रेन का इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब हम उस बच्चे का ब्रेन देखें जो बच्चा स्पून फीडर नहीं करता है, अपने आप मेहनत करता, देखिए उसके में क्या हुआ चेंजेस। उसके में देखिए ये नर्व सेल्स हैं और नर्व सेल्स काफ़ी डेवलप हो गई। देखिए यहाँ पे देखिए आप डिफरेंस, ये दो नर्व सेल्स मैंने बनाई। हमारा ब्रेन नर्व सेल्स का बना होता है, जो स्पून फीडर उसका नर्व फाइबर ऐसा ब्रेन का, देख बहुत कम ब्रांचिंग है। जब ब्रांचिंग कम है तो उसका मेंटल लेवल भी कम है, उसके आईक्यू लेवल भी कम है, वो न्यूमेरिकल को ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएगा। ये नर्व किसकी है, स्पून फीडर की। ये उसका नेटवर्क है जो खुद मेहनत कर रहा है। देखिए कितनी नर्व ब्रांचिंग इसमें हो गई, जितनी नर्व ब्रांचिंग होती जाएगी उसका उतना ही आईक्यू लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो ये अपने टारगेट पे पहुंचने के लिए किसी भी वे को इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि इसमें कई रास्ते बन गए। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। तो जो स्पून फीडर नहीं होते उनके ब्रेन का कुछ इमेज इस तरह की होगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, नर्व सेल्स का जाल हो जाता है नेटवर्क। और जो स्पून फीडर होते हैं उनमें नर्व ब्रांचिंग नहीं होती, वो स्ट्रेस होते हैं, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, वो सिर्फ रटी रटाई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो खुद न्यूमेरिकल लगाते हैं, खुद सोल्यूशन तैयार करते हैं, उनके ब्रेन डेवलप हो जाते हैं, नर्व सेल्स में ब्रांचिंग हो जाती है और इस तरह से उनका ब्रेन हो जाता है और वो नई से नई प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते चले जाते हैं। तो डियर स्कॉलर्स, अगर आपको कंपटीशन पास करना है तो स्पून फीडर नहीं बनना है, आपको खुद मेहनत करनी है। शुरू में दिक्कत आएगी, शुरू में न्यूमेरिकल लगाते में दिक्कत आएगी, आपको ऐसा ही महसूस होगा कि पढ़ाई छोड़ दें, ऐसा ही महसूस होगा कि हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारिए, आप अपने अच्छे मेंटर से मिलिए, मेंटर आपको उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, न्यूमेरिकल के फॉर्मूले देगा, लेकिन सॉल्व आप खुद करें। जब आप खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो शुरू में तो स्टडी के लैंग्वेज में कहें तो वॉक करेंगे और बाद में रनिंग करेंगे और बाद में जंप कर जाएंगे आप सीधे, ठीक है। लेकिन जो स्पून फीडर होता है ना, अगर वो वॉक पे था तो वॉक पे ही रहेगा, वो जंप नहीं कर पाएगा कभी भी। तो इसलिए डियर स्कॉलर्स, आज आपसे मैं आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आज से खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करें, खुद न्यूमेरिकल लगाएं। जब आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे तो ब्रेन हमारी नर्व सेल्स का बनाए, उसमें ब्रांचिंग होगी, ब्रेन डेवलप हो जाएगा और आईक्यू लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा और आप कंपटीशन को पास कर जाएंगे। इसलिए आज से स्पून फीडिंग छोड़ दीजिए, खुद पढ़ना शुरू कीजिए। शुरू में आपको दिक्कत आएगी लेकिन बाद में एक दो महीने के बाद आप देखिएगा कि आपका ब्रेन कितना तेज़ हो जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, ब्रेन को तेज़ करने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा और ख़ास तौर से न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे। इसलिए न्यूमेरिकल से भागिए मत, न्यूमेरिकल लगाएं, ओके। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उनसे भागिए मत, उनको लगाइए। और मेंटल लेवल को तेज़ करने के लिए रिवीजन मस्ट है,
ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें आप। जितना आप रिवीजन करते चले जाएंगे आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। डियर स्कॉलर्स, तो आज हम क्या छोड़ते हैं, स्पून फीडिंग बिल्कुल छोड़ देंगे। आज से हम अपने आप पढ़ना शुरू करेंगे, सेल्फ स्टडी जिसको कहते हैं, रिवीजन ज़्यादा ज़्यादा करेंगे और न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ फार्मूले की हेल्प लेंगे और कैलकुलेशन खुद करेंगे। और बाद में अपने मेंटर से फार्मूले भी मत लीजिए, खुद ही फार्मूले लगाइए और खुद ही कैलकुलेशन कीजिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। तो आपसे क्या तय किया, स्पून फीडिंग को हम छोड़ रहे हैं, आज से हम क्या शुरू कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी। हिम्मत नहीं हारनी है, कंपटीशन को पास करना है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।